सो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, और वापस से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पीके ब्लॉग्स मुंगेर वाला। और आज है मेरा बर्थडे 14th of August एंड हम लोग सुबह से आज घूम ही रहे हैं। सुबह से घूमने के बाद हमें लगी थी जोरों की भूख, तो हमने सोचा कि यार रेस्टोरेंट में तो हम लोगों ने बहुत खाना खाया, आज ढाबा स्टाइल ट्राई किया जाए। सो अभी हम आए हैं एक ढाबा में जो कि सामने आपको काउंटर दिख रहा होगा और ये पूरा आपको बैकग्राउंड से पता चल रहा होगा कि ये ढाबा है। और यहाँ सामने मेरी गाड़ी लगी है और ये है मेन हाईवे। सो जिस साइड में अभी, और ये इस होटल का नाम है पायल होटल। सो अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं वो है मेन हाईवे, और इसके राइट साइड जहाँ मैं दिखा रहा हूँ, अगर हम इधर जाते हैं तो ये चला जाता है बरियारपुर होते हुए भागलपुर निकल जाता है, और इसके जस्ट अपोजिट साइड जो कि लेफ्ट साइड है ये सीधे चला जाता है मुंगेर ब्रिज। और हम यहाँ पे है पायल होटल जहाँ पे अभी हम रुके हुए हैं। हमें ज़ोरों की भूख लगी थी, आपको पता है भूख लगने के बाद कुछ नहीं नज़र आता है, तो हम चले गए खाना खाने के लिए। सो अभी आपको हम दिखाते हैं कि खाना कैसा था, वहाँ पे हम रिव्यू लेते हैं। तो रिव्यू दीजिए खाना का कैसा है। खाना का रिव्यू हम देते हैं, बहुत टेस्टी है। जब पनीर का सब्जी लग रहा है चिकन ऐसा, ये भी बहुत परफेक्ट बना है। अभी कुछ बोलिएगा अजय बाबू, हम तो यही बोलेंगे लाजवाब, शानदार, जबरदस्त। हम तो सोच रहे रात का डिनर भी यहीं कर लिया जाए। मुझे काश नंदी जी खाने का मौका मिलता सावन के बाद। नॉन वेज आपके बर्थडे के उपलक्ष्य में आज यही चलेगा, बाकी कोई बात नहीं। हम तो पार्टी दोगे नहीं, आप जब यूट्यूब में पॉपुलर हो जाओगे, मोनेटाइज हो जाओगे, तब चलेगा बड़ा रेस्टोरेंट। अभी फिलहाल यही थी अपना बिहारी खाना है, दाल भात और सब्जी, भुजिया, नींबू अचार, दाल। हमारे आदरणीय लालू यादव जी भी यही खा के प्रचार में निकलते हैं, दाल भात सब्जी भुजिया, बिहार का खाना। हाँ, यही परफेक्शन रहा बनाने का, तो नॉनवेज भी बहुत परफेक्ट बनेगा क्योंकि इंग्रेडिएंट्स जितना भी डाला गया है एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन, बैलेंस मीडियम। कैसे है भैया, क्या नाम है आपका? चंदन। चंदन जी, ये जो ढाबा है आपके, अपने ढाबे का नाम बताइए और एड्रेस बता दीजिए। पायल होटल है, एड्रेस कटेलिया तालाब। चलिया तालाब, ठीक है। ये जो हाईवे है जो आपका सीधे मुंगेर पुल पे चला जाता है, और अगर इधर से उतरते हैं राइट साइड में तो ये चला जाता है बरियारपुर के साइड, ठीक है। सो अभी हमने आपका खाना टेस्ट किया और खाना बेहतरीन था, लाजवाब था। रिव्यू ऑलरेडी मैंने आगे के वीडियो में दिखा दिया है। सो अगर आप इस रूट से गुजरते हैं तो आप एक बार यहाँ विजिट ज़रूर कीजिए। हमारे साथ हैं चंदन जी, चंदन जी से आके मिलिए, एक बार इनका खाना टेस्ट कीजिए और फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनका खाना कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, स्पेशली इनका वेज भी अच्छा था, पनीर प्याजा मैंने खाया था। और आप एक बार इनका नॉन वेज भी ट्राई कीजिए। एक्चुअली अभी सावन की वजह से इनका वेज का ही खाना है, अभी नॉन वेज अवेलेबल नहीं है, बट सावन के बाद आपके पास नॉन वेज भी अवेलेबल रहेगा। सो नॉन वेज में क्या क्या अवेलेबल रहता है आपके पास? ठीक है, तो सारा नॉन वेज का आइटम अवेलेबल है। आप कभी भी आते हैं इस रूट में तेलिया तालाब के पास तो आप एक बार पायल होटल में ज़रूर विजिट करें। सो क्या करना चाहिए, अपने व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे? सब्सक्राइब करवाना चाहेंगे? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है भैया, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।